यूपी दरोगा भर्ती आवेदन तिथि नहीं बढ़ेगी, चयन बोर्ड। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर नहीं है जिन हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन छूट गए और वो आवेदन नहीं कर पाए। हम इसका थोड़ा सा सबूत भी आपको दे दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आप क्या करें कि आवेदन तिथियाँ बढ़ सकें। एक अभ्यर्थी ने यहाँ पर कमेंट किया है, वीके शर्मा जी ने, इन्होंने कहा है कि सर आज भर्ती बोर्ड को फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि अब डेट नहीं बढ़ेगी। यानी कि वीके शर्मा जी ने भर्ती बोर्ड को यहाँ पर फ़ोन किया तो वहाँ से उनको अधिकारियों द्वारा अपडेट दी गई है कि अब आवेदन की तिथियाँ नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो क्या ऐसी स्थिति में हजारों के अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे और क्या इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो बेरोजगार युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा गलत होने वाला है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें, कोरोना संक्रमण की स्थिति के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि लंबे समय के लिए लॉकडाउन था, उस बीच में आवेदन हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर कैफे हैं, इनकी दुकानें हैं, नहीं खुल रही थी और हर अभ्यर्थी के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो घर बैठे आवेदन कर सके। इस कारण से अभ्यर्थियों के आवेदन छूटे हैं और दो दिन पहले से, यानी 14-15 दो दिन तारीख को पूरी तरह से जो वेबसाइट थी वो क्रैश थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीस ही रह गई या फाइनल सबमिट करना ही रह गया, केवल दो दिन वेबसाइट न चलने से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के आवेदन छूट गए। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आप सभी को एक ग्रुप बनाना है, चाहे फेसबुक बना लीजिए, चाहे व्हाट्सअप बना लीजिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए। इसी वीडियो में कमेंट करके आप ग्रुप बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग जुड़कर चयन बोर्ड के सामने मांग करें, जाकर वहाँ पर अपनी बात रखें सभी लोग एक साथ मिलकर, ताकि चयन बोर्ड को यह पता चले कि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन छूटे हैं। गलती उनकी भी नहीं है, वेबसाइट की है, साथ में कोरोना संक्रमण भी है जिस कारण से वो आवेदन से वंचित रह गए हैं। तो यहाँ से छूट का मौका आपको मिल सकता है। उसके अलावा ट्विटर अभियान चला सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास करने पर सफलता जरूर मिलेगी और आवेदन का मौका भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 7 दिन 8 दिन की आवेदन तिथियां बढ़ाने से कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन की तिथियां बढ़ाई जा सकती हैं और ये सही भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने सभी चीज़ें आपको बताई। तो प्रयास करिए, जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इस वीडियो को शेयर करिए, आपकी आवाज़ पहुँचे सरकार तक और आवेदन की तिथि बढ़े, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे बेरोजगारों का इससे नुकसान हो सकता है।